क्वेश्चन नंबर 54 आपसे बोल रहा है कि x प्लस वन जो है वो एच सी एफ है, इस पॉलिनोमियल का भी और इस पॉलिनोमियल का भी। देखो एच सी एफ जो होता है ना, ये कॉमन फैक्टर होता, और किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर जो होता ना वो उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर देता। तो जाहिर सी बात है x प्लस वन जो है इसको भी डिवाइड करेगा और x प्लस वन जो है इसको भी डिवाइड करेगा। अच्छा x प्लस वन की मदद से मैं यहाँ से अगर रूट निकालूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ये रूट जो है दोनों ही पॉलिनोमियल को म्यूचुअली सेटिस्फाइड करेगा, उसको भी करेगा इसको भी करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का वन उसमें भी रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का वन रखा आपने माइनस का वन का स्क्वायर प्लस बी माइनस का वन रखा प्लस का सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको जीरो के बराबर पुट करो क्योंकि जीरो लाकर रखेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा ए माइनस का बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली आप एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसमें रखोगे तो देखो माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस वन तो बी रह जाएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का ए हो जाएगा प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन टू हो गई। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है भाई, सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, सी की वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, तो एक काम कर लो ना, आप इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ऑन एडिंग, तो ऐड करने पर देखो ये माइनस का ए है, ये प्लस के ए से कट जाएगा, ये माइनस का बी है, ये प्लस के बी से कट जाएगा। तो यहाँ से टू सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, सी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। जहाँ भी ऑप्शन है टिक करो और आंसर आगे बढ़ो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हो। ध्यान देना एस सी एफ भी फैक्टर होता है, और फैक्टर जो होता है वो इक्वेशन को तोड़ देता पूरी तरीके से।